या पति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सुंदरकांड की यह श्रृंखला जिसे मैं नियमित आपके लिए चला रहा हूं, एक दोहा जिसमें हम रोज पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने इसके भाग एक में पढ़ा किष्किंधा में, किष्किंधा कांड का जो अंतिम सर्ग है, समुद्र के किनारे सब बैठे हैं, अंगद के मन में संशय हुआ। दूसरे में हमने भगवान श्री राम और भगवान हनुमान की जो स्तुतियां हैं संस्कृत में, उन संस्कृत श्लोकों का अर्थ जाना। तीसरे में जब हनुमान जी पर्वताकार रूप बना करके लंका की ओर उछल पड़ते हैं, यह देखा। और मैनाक पर्वत उनसे कहता है कि आप थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लें, और वो उसको प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि राम का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। अब कहानी उसके आगे बढ़ती है, सुरसा का मुंह कैसे खुला, आइए शब्दार्थ देखते हैं। जात पवन सुत देवन देखा। तो हनुमान जी जब जा रहे हैं लंका की ओर उड़ते हुए, तो जात पवन सुत देवन देखा, देवताओं ने जब पवन सुत हनुमान जी को जाते हुए देखा, तो जाने कहूं जानने के लिए बल बुद्धि विशेखा। भगवान हनुमान की बल और बुद्धि, विशेष बल बुद्धि को जांचने के लिए, परखने के लिए, जानने के लिए, परीक्षा लेने के लिए देवताओं के मन में एक विचार। तो सुरसा नाम अहिन कै माता, सुरसा नाम की एक अहि, अहि की माता। अहि माने क्या होता है, तो अहि के माने होता है सांप, सर्प। तो सर्पों की माता सुरसा। याद रखिएगा, सुरसा रावण ने नहीं भेजा था सुरसा को, सुरसा राक्षसी कौन आई थी, वो देवताओं की भेजी हुई थी खाली हनुमान जी की परीक्षा के लिए। और सुरसा कौन है, वो सांपों की माता है। तो सुरसा नाम अहिन कै माता, सुरसा नाम की सर्पों की माता को पठई नी, भेजा किसने, देवताओं ने। आई कही तही बाता, और उस सुरसा ने आकर के हनुमान जी से जो बात कही वो क्या कही, कि आज सुरन मोहि दीन्हीं आहारा। सुरमा ने देवता, आज देवताओं ने मुझे आहार दिया है, आहार माने भोजन दिया है। आज सुरन मोहि दीन आहारा, और सुनत वचन कह पवन कुमारा। ऐसे वचन जब सुने हनुमान जी ने, तो हनुमान जी ने, पवन कुमार हनुमान जी ने क्या कहा, कि राम काजू करी फिरी मैं आऊं। कौन कहता है अवधि कठिन है, देखो अर्थ समझ में आता है। हाँ, सब इसको श्लोक कहते हैं, अरे चौपाई लिखी है। राम काज करी फिर मैं आऊं, भगवान श्री राम का काम करके फिर माने लौट करके जब मैं आ जाऊं, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनाऊं। माता सीता की सुधी याद, उनकी हालचाल जब मैं भगवान श्री रामचंद्र जी अपने प्रभु को सुना लूं, तब तब बदन पैठी हूं आई। अब बदन माने, हाँ बदन माने तो उनका देहिये देखा थे, वो उर्दू फारसी में बदन माने शरीर होता है, संस्कृत में होता है वदन, वदन के माने होता है मुख। बदन में थोड़े बैठ जाएंगे, वदन में। तो यहां बदन काहे लिखा है, क्योंकि जो तत्सम शब्द होते हैं उनको जब अवधि में बोला जाता है तो वा का बा कर लिया जाता है, वीर को वीर कह देते हैं, तो वैसे वदन को बदन कह दिया गया। तो तब तब बदन पैठी हूं आई, माने तब आकर के मैं तुम्हारे मुख में बैठ जाऊंगा, अर्थात तुम मुझको खा लेना। सत्य कहूं मोहि जान दे माई, सुरसा से हनुमान जी हाथ जोड़ के कहते हैं मैं सच कह रहा हूं माई, मुझको जाने दे, भगवान का काम करना है मुझे। तब फिर कवने हूं जतन दे ही नहीं जाना, जब किसी भी जतन से, यत्न, यत्न शब्द होता है हिंदी में, यत्न शब्द को ही अवधि में तद्भव में जतन कह दिया गया। जब कवने जतन किसी भी प्रकार से जब वो जाने नहीं दे रही है, तो ग्रसस ही नमो ही कहे हो हनुमान, तो हमको खा काहे नहीं लेती हो, जब जाने ने तो ग्रसना माने पकड़ लेना, खा लेना, तो हमको खा ही लो। हनुमान जी ने कहा अच्छा नहीं जाने दे रहे, खा लो, तुम अपनी मर्जी पूरी कर लो, खा लो। तो योजन भर ते ही बदन उपसारा, बदन फिर से वही मुख माने मुख खोला। और योजन क्या होता है, एक योजन में चार कोस होते हैं, चार कोस, और एक कोस लगभग 3 किलोमीटर का, तो लगभग लगभग 12 किलोमीटर का एक योजन होता है। तो योजन भर ते ही बदन उपसारा, तो उसने योजन भर अपना मुंह फैला लिया, एक योजन का उसने अपना मुंह फैलाया। कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा, हनुमान जी ने अपने शरीर का तुरंत दो गुना विस्तार कर लिया। जैसे ही सुरसा ने अपना मुंह योजन पर फैलाया, हनुमान जी ने अपना मुंह दो गुना विस्तार कर लिया। और 16 योजन मुख तय,
जब उसने देखा हनुमान जी उसके दोगुना हो गए, तो उसने चार एक योजन के बजाय सीधे 16 योजन का मुंह कर लिया, 16 योजन उसने अपना मुंह बड़ा कर लिया। तो 16 माने 16, योजन माने योजन, मुख मुंह ते ठय, उसने अपना मुंह ठान लिया, अर्थात उसने अपने मुंह को 16 योजन कर लिया। तुरंत पवन सुत 32 भय, तुरंत हनुमान जी 32 गुना हो गए उसके, उनने 16 योजन किया, ये 32 योजन के हो गए। और जस जस सुरसा वदनु बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह बढ़ाते चली जाती, तासु दून कपि रूप दिखावा। कपि यानी हनुमान जी, कपि यानी वानर होता है अर्थात हनुमान जी, तो यहाँ कपि हनुमान जी हैं। तो तासु दून कपि रूप दिखावा, उसके ठीक दो गुना हनुमान जी उसको रूप दिखा देते थे। सत योजन तेहि आनन कीना, अब उसने अपना मुंह 100 योजन का कर लिया, माने 400 कोस का कर लिया। अति लघु रूप पवन सुतलीना, और तुरंत अत्यंत छोटा सा रूप हनुमान जी ने बना लिया। अति लघु रूप पवन सुतलीना, छोटा सा रूप हनुमान जी ने बना लिया। और बदन यानी मुख में पैठ माने बैठ करके, पुनि माने पुनः, और बाहर आवा, ये फिर जैसे छोटे से बने उसके बड़े से मुंह में घुसे और बाहर निकल आए। और जब बाहर निकल आए तो मांगा विदा ताही सिरुनावा, तब सुरसा माई से कह रहे, सुरसा मैया अब जाने दो, तुमको मुंह में रखना था ना, खाना था ना, हम तुम्हारे मुंह में जाके निकल आए। तो मांगा विदा ताही सिरुनावा, सिर नवा करके उन्होंने विदा मांगी। और मोही, तब सुरसा क्या कहती है कि मोही सुरन यानी देवताओं ने जही लागी पठावा, जिस लिए मुझे देवताओं ने भेजा था, अर्थात मैं तुम्हारी बल बुद्धि की परीक्षा ले सकूं, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा, मैंने तुम्हारे बल बुद्धि का मर्म जान लिया कि यानी कि तुम बल बुद्धि में बहुत अग्रगण्य हो। तो राम काज सब करी हूं तुम बल बुद्धि निधान, सुरसा कहती है कि राम का कार्य सब तुम करोगे, हे बल बुद्धि के खजाने, निधि माने खजाने, हे बल बुद्धि के खजाने, तुम सब भगवान श्री राम का कार्य करोगे। और आशीष दे गई सो, और आशीष दे करके गई वह, हर्षि चलो हनुमान, और अत्यंत हर्षित होकर के हनुमान जी चल दिए। ये तो हमने पढ़ा शब्द शब्द अर्थ, अब मैं पूरा पढ़ते चला जाता हूँ और आप अपने आंखों के सम्मुख ये चित्र बनाते चलिएगा। हमने कहा यह सुंदरकांड पढ़ने का पावरफुल तरीका है, तो पावरफुल इसीलिए कहा है, पावरफुल इसलिए कहा है कि जब आप इसको पढ़ें और आप खाली पढ़ते हैं और अर्थ का भाव ग्रहण नहीं करते, अपने मन में हनुमान जी के इस चित्र का ध्यान नहीं करते, तो आप सुंदरकांड ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे कोई पन्नी लगा करके ऊपर से पानी डाल। लेकिन जब आपके भीतर अर्थ जाता है, जब आप हनुमान जी का चित्र अपनी आंखों के सामने बनाते हैं, फिर जब आप इसे पढ़ते हैं, ये दृश्य आपके आंखों के सामने से गुजरते रहते हैं, पढ़िए सुंदरकांड, भगवान हनुमान कैसे नहीं प्रसन्न होंगे। चित्र देखिए कि जात पवन सुत देव न देखा, जाते हुए हनुमान जी को जब देवताओं ने देखा, जाने कहूं बुल बल बुद्धि विशेखा, उनकी बुद्धि विशेष बल को जानने के लिए, सुरसा नाम अहिन को माता, सुरसा नाम की सर्पों की माता को पठैन आई कही तही बाता, देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा और उसने लौट करके आकर के एक बात कही हनुमान जी से, क्या कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज देवताओं ने मुझको भोजन दिया है। सुनत वचन कह पवन कुमारा, उसकी बातें सुनकर के हनुमान जी ने कहा, राम काज कर फिर मैं आऊं, भगवान श्री राम का कार्य करके मैं दोबारा लौट आऊं, सीता कही सुधि प्रभु सुनाऊं, सीता माता की सुधि, सीता माता का पता मैं भगवान श्री रामचंद्र जी को बता दूं, सुना दूं, उनका हाल बता दूं, तब तब बदन बैठी हूं आई, तब तुम्हारे मुख में आकर के हे माता हम बैठ जाएं, सत्य कहो मुहि जान दे माई, मैं सच कहता हूं हे माता हमको जाने दो, कहने जतन जतन दे ही नहीं जाना, जब किसी भी प्रकार से सुरसा ने जाने नहीं दिया, ग्रससि न मोहि कहो हनुमान, हनुमान जी जिद करके कहते अच्छा तो तुम हमको खाही काहे नहीं लेती, खा लो। और जो जन भर तही बदन उपसारा, यो जन भर उसने अपना मुख फैलाया, कपितन कीन दुगुन विस्तार, हनुमान जी ने दोगुना उसका विस्तार बना लिया, 16 योजन मुख तही ठेयू, उसने 16 योजन का अपना मुख फैलाया। तुरंत पवन सुत 32 भयू, हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा ने अपना मुख पै बढ़ाया, तासु दून कपि रूप दिखावा, उसका उसका दोगुना हनुमान जी करते चले गए। सत योजन तहियानन कीना, उसने जब अपना मुंह 100 योजन का कर लिया, अति लघु रूप पवन सुत कीना, अत्यंत छोटा रूप हनुमान जी ने बना लिया, बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मुख में घुस करके तुरंत बाहर निकल आए, मांगा विदा ताही सिरनामा, और मांगा विदा सिर नमा करके, ए माता अब तो जाने दो, क्या कि अब भैया तुम्हारे मुंह में चले गए, तुमने खा लिया, अब जाने दो। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, हमको देवताओं ने जिस कारण भेजा था, बुद्धि बल मरम
तोर मैं पावा, तुम्हारी बुद्धि और बल का मर्म मैंने जान लिया है। और राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सोहरसी चलो हनुमान। राम का कार्य सब तुम करोगे है बल बुद्धि के खजाने, ऐसा आशीष दे करके सुरसा वहां से चली गई और हनुमान जी खुशी खुशी चल दिए। अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखना होगा हमारा अगला एपिसोड। तब तक के लिए जय हिंद, बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। एक बात जाते जाते, ये मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल पर भी हम इसको डालते हैं, अमरनाथ सर हिंदी वाले, आप इसको जाकर के वहां सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नियमित श्रृंखला मिलेगी। जहां जहां आप इसको देख रहे हैं वहां वहां आपको नियमित श्रृंखला मिलेगी। और यह हिंदी का विश्वकोश पढ़ा रहा हूँ, पर्यायवाची कोश पढ़ा रहा हूँ, जो प्रतियोगी परीक्षा के छात्र हैं, आईएएस का तो सुंदरकांड सिलेबस है, पाठ्यक्रम है हिंदी लिटरेचर का, तो जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हैं या जो हिंदी सीखने सिखाने वाले छात्र हैं, वो जानिए कि इसमें पर्यायवाची का भंडार भरा पड़ा है, हिंदी शब्दकोश आपका मजबूत होगा। आप इसलिए भी सुनिए, भगवान की कृपा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, अगला एपिसोड अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भगवान श्री राम आप पर कृपा करें। पवन सुत हनुमान की जय।